नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। जनपद अयोध्या के तहसील बीकापुर अंतर्गत तमाम बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक का हो रहा धड़ल्ले से इस्तेमाल, जिम्मेदार मौन पर्यावरण समेत लोगों पर बन रहा भारी खतरा। प्लास्टिक जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अमूमन हर चीज के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे दूध हो, तेल, घी, आटा, चावल, दालें, मसाले, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, स्नैक्स, दवाएं, कपड़े हो या फिर जरूरत की दूसरी चीजें, सभी में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण पर्यावरण को पूरी तरह दूषित कर रहा है। कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा ऐसे प्लास्टिक ओपन सख्ती से रोक लगाने का आदेश हुआ था। जिम्मेदार लोग आंखें बंद कर गंभीर बीमारी का इंतजार कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब गंभीर बीमारी का कोप भाजन लोगों को होना पड़ेगा। खतरा 40 माइक्रोन से कम स्तर की प्लास्टिक से बनी कैरी बैग, बोतल, ग्लास का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिसके अनुपालन की जिम्मेदारी तहसील और जिला प्रशासन की है, लेकिन ये जिम्मेदार लोग इसे लेकर आंख बंद कर रखे हैं, जिसके चलते आज भी बीकापुर, शेरपुर, पारा, खजुराहट, कोचा बाजार, चौरे बाजार, निदियावा बाजार, मोतीगंज आदि बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक आज भी किराना दुकान से लेकर ठेले, सब्जी वाले व अन्य सब्जी दुकानों पर धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है। दरअसल प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों से आता है। रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं जो जमीन पहुंच जाते हैं और इससे मिट्टी और भूगर्भीय जल विषैला बन जाता है। जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रिसाइकलिंग इकाइयां नहीं लगी होती, उनमें रिसाइकलिंग के दौरान पैदा होने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता। इसे अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग को रोका जा सकता है, जिस पर यदि अभी से रोक लगाई गई तो भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा सामने आ जाएगा। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।